हेलो गाइस, दिस इज अपूर्व खमर अगेन। यार आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और नया साल में ये मेरा पहला वीडियो है, तो यार आप लोगों का सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2018। और मैं नया साल में एक अच्छा सा टॉपिक के साथ वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, यार LPG गैस परचेस करने के बाद आपको जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, अगर वो सब्सिडी आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको वो सब्सिडी मिल सकता है। ठीक है, तो चले गए हम लोग जान लेते हैं सब्सिडी ना मिलने का क्या रीज़न है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारी और आपकी कंप्यूटर एंड एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल को इस रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और मेक मनी का सम्मान और ऐसे छोटा मोटा प्रॉब्लम का सॉल्व करते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को तुरंत इस रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साइड में जो बेल की बटन है वहाँ पर भी टैप कर दीजिए, ताकि मेरी तरफ से कोई भी नया नया वीडियो का इंस्टेंट गेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो का हम शुरू कर लेते हैं। तो फिर देखो, LPG गैस परचेस करके आपके घर में डिलीवर होने के बाद 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट पर वो सब्सिडी आना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो फिर अगर आपके बैंक अकाउंट पर वो सब्सिडी नहीं आ रहा है, रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूँ। तो सबसे जो बढ़िया रीज़न होता है KYC अपडेट। तो KYC का जो मतलब होता है नाउ योर कस्टमर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैंक पर जाना होगा और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को बैंक से लिंकअप करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो LPG गैस का ऑफिस है वहाँ पर जाओ और आपका KYC का अपडेट करो, मतलब आधार कार्ड को लिंकअप करो आपके LPG गैस के बुक से। ठीक है, तो आपका KYC को आप सही तरीके से अपडेट करने के बाद आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और आप देखेंगे आपका बैंक पर वो जो सब्सिडी है वो क्रेडिटेड होगा। तो फिर KYC को अपडेट करने के बाद भी अगर आपके बैंक अकाउंट पर सब्सिडी नहीं आ रहा है, तो आपको जो है DBTL पहाल से कॉन्टैक्ट करनी होगी। तो फिर यहाँ पर आप मुझे ये सवाल करोगे, व्हाट इज DBTL पहाल? तो DBTL पहाल कौन है? तो फिर देखो, DBTL पहाल वो होता है जो आपके बैंक अकाउंट पर सब्सिडी भेजता है। तो क्लियर, तो आपको DBTL पहाल से कॉन्टैक्ट करना होगा। उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप जरा नोट करो। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 8100233555। आप जरा फिर से नोट करो, 8100233555। ठीक है, तो आप इसी नंबर पर कॉल करके आपका बैंक अकाउंट में सब्सिडी नहीं आ रहा है ये भी आप बोलिए, और आपने KYC भी अपडेट किया है ये सारी की सारी आप वहाँ पर बोल दीजिए उस लोगों को, और वो लोग आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से पूरी तरीके से हेल्प मिल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा कि आप कैसे LPG गैस ऑनलाइन के जरिए बुकिंग कर सकते हो। तो फिर अगर आप ऑनलाइन के जरिए गैस बुकिंग करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम पे करनी होगी, और आपकी LPG गैस का KYC अपडेट है कि नहीं, और आपने अभी अभी कितने सिलेंडर बुक किया है और आपको कितने सिलेंडर का सब्सिडी अभी मिला है, वो सारी के सारी आप जान सकते हो उस वाली वीडियो से। तो अगर आप वो वीडियो मिस करना नहीं चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के और साइड में जो बेल की बटन है वहाँ पर भी टैप कर दीजिए, ताकि मेरी तरफ से कोई भी नया नया वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, आपकी मन में LPG गैस सब्सिडी को लेकर किसी भी तरीके का सवाल या फिर सुलझा हो तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, मैं कोशिश करूँगी आपको पूरी तरीके से मदद करने की। तो आज का वीडियो यहीं पर था, अगले वीडियो में और भी अच्छे सा वीडियो के साथ मिलने का रखते हुए गुड बाय। तो तब तक आप अपने ख्याल रखिए।